आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू परिवर्तन, और जम्मू परिवर्तन पे जो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे आलमी तौर पर जो है मुस्लिम ममालिक और वहाँ पे जो है आज एहतजाज हो रहा है, पुरमन एहतजाज हो रहे हैं, और एहतजाज की जो वजह है वो जो कुछ वक्त पहले एक ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स आया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और उस चीज़ पे जो है हर जगह पे पुरमन तौर पर जो है एहतजाजी मुजाहरे जो है वो देखे जा रहे थे। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो जुम्मा था, जुम्मा पे भी कई ऐसी जो तंजीमें हैं उन्होंने पुरमन तौर पर एहतजाज किया था, और इस बात की मांग की थी कि जिन्होंने भी इस तरह का जो है स्टेटमेंट दिया है उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी हवाले से जो है आज भी जो कांग्रेस से वाबस्ता जो जिनको मोहम्मद शफी कहा जाता है वो भी आज प्रेस कॉलोनी में आए थे, उन्होंने आज पुरमन तौर पर एहतजाज किया और सेम इसी बात को दोहराया कि जो शख्स है जिन्होंने भी इस हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है उन पे कानूनी कार्रवाई की जानी है। और इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और पिछली बार भी
जुमा को इन्होंने आज जो है एहतजाज किया था और आज भी जो है ये जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं और इनसे इस वक्त यही कहा जा रहा है कि आप जब भी एहतजाज कर रहे हैं तो आप परमन तौर पर जो है उस एहतजाज को दर्ज कराएं, और क्योंकि इस तरह के जो एहतजाज है जो परमन तौर पर आज आलमी सतह पे हो रहे हैं, खासकर उन ममालिक में जहाँ पे जो है मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है और मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने ये कॉल दी थी। और इसी हवाले से जो है आज कश्मीर में सुबह से जो है पार्शली जो है शटडाउन देखा जा रहा था, खासकर अगर लाल चौक की बात करें या डाउनटाउन की बात करें या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं शॉप्स हैं वो बंद नज़र आ रही थी। और अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक में भी जो है कमी नज़र आ रही थी, लेकिन मामूल के तौर पर अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल रही। अभी तक की अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने जो है अपनी तरफ से इजाफी दस्ते जो है हर जगह पे तैनात रखे थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे कोई भी जो है डिस्टर्बेंस ना आए। तो कहा जा सकता है कि अभी तक के जो इंतजाम किए गए हैं वो काबिले तारीफ है और किसी भी जगह से इस तरह की कहीं पे कोई जो है खबर सामने नहीं आई जिसमें कहा गया हो कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर में कोई डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन इस तरह की जो है खबर अभी तक कहीं से भी जो है सामने नहीं आई है। और इस वक्त इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो अवामी आवाज़ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त यहाँ लाल चौक घंटाघर के पास आए हुए हैं और एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको नज़दीक से ये तस्वीरें पहुँचाई जाए और हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो आज ये यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है तो इसकी क्या वजह है। नाज़रीन आप बने रहिए अभी हमारे साथ और हम नज़दीक से आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस एहतजाज की जो वजह है आज क्या है। और इस वक्त जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदर्शन पे हैं। गुस्ताखे रसूल की सजा सर सर तंग से जुदा सर तंग से जुदा गुस्ताखे रसूल का क्या सजा सर तंग से जुदा सर तंग से जुदा नाराज तकबीर अल्लाहू अकबर नाराज रिसालत या रसूल अल्लाह अकबर नाराज रिसालत या रसूल अल्लाह हो गया ठीक है। गुस्ताखे रसूल की क्या सजा सर तन से जुदा सर तन से जुदा गुस्ताखे रसूल का क्या सजा सर तन से जुदा सर तन से जुदा नाराज तकबीर अल्लाहु अकबर नाराज रिसालत या रसूल अल्लाह वही वर्ड जस्टिस वही वर्ड जस्टिस वही वर्ड जस्टिस इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद वही वर्ड जस्टिस गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा तकबीर तकबीर सर ये जानना चाहेंगे कि क्या जो आज का एहतजाज है जिस तरह पिछली बार आपने मुंबई जुमा को एहतजाज किया था और स्टेटमेंट को लेकर एहतजाज किया था क्या आज भी एहतजाज नहीं। आज आपको पता है रांची में तो दो जवान मारे गए फायरिंग में, आज का प्रोटेस्ट उनके लिए है। जो हमारी बहन है आफरीन उनका घर बुलडोजर से नीचे गिरा दिया गया और उसकी वजह से ये देखिए क्या हो रहा है। मुसलमान आज मुसलमान को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। अगर ये गुस्ताखी हमने की होती किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू के मजहब में कुछ बोला होता तो उसको सजाए मौत ही होती, लेकिन हमारे हुजूर के खिलाफ उन्होंने ऐसी गुस्ताखी की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और ना उनको एफ आई आर लॉन्च किया गया ना उनके कोई कार्रवाई उनके लिए की गई। हम गवर्नमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि जब तक गुस्ताखे रसूल वाली को सजा ना मिले, उस नूपुर शर्मा को सजाए मौत ना दे, तब तक कोई कश्मीरी बैठेगा नहीं, हर कोई मुसलमान बैठेगा नहीं। क्योंकि हमारे आका की बात है या हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उन्होंने एक गर्क में मुसलमान के हमारा दीन है, वो हमारे आइडल है। उनको ये पता होना चाहिए मुसलमानों का दीन हमारे रसूल से स्टार्ट हुआ है।
जो भी हमारे रसूल के खिलाफ बोलेगा उसको सर तन से जुदा किया जाएगा। हम पिछले कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है, कोई ये खेल खेल रहे हैं कुछ भी नहीं। अगर कोई मुसलमान होता तो उसको सजाए मौत दी गई होती, उनके घर वालों को उठाया होता। लेकिन ये एक हिंदू ने बोला है कश्मीरी का कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमानों का कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमानों ने भी इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, वो बीजेपी को पता होना चाहिए। और जब तक बीजेपी ये नूपुर शर्मा को FIR लॉन्च नहीं किया जाएगा, सच से सजा नहीं दी जाएगी उनको, तब तक हर कोई मुसलमान ऐसी सड़कों पे निकलता रहेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने इनका स्टेटमेंट सुना और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिन्होंने भी इस हवाले से कोई गुस्ताखी की है तो उनके साथ जो है पुरमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इस हवाले से फौरी तौर पर जो है इकदाम उठाए, और जब तक ये इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तब तक जो ये एहतजाजों का